नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज बसंतराय जाने का मूड हो गया क्योंकि घर में ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे और मन नहीं लग रहा था। और कई दिनों से बसंतराय मतलब कि बहुत दिनों से गया ही नहीं था। और ये रहा मेरा बाइक, मतलब कि घर से थोड़ी दूर में आके मैं रुका हुआ हूँ। तो चलिए आपको बसंतराय का कुछ छोटी सी वीडियो और छोटी सी नज़र आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, बसंतराय में मिलते हैं। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic, before I knew it, we talked. और दोस्तों, ये है बसंतराय का दुर्गा मंदिर है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुत्ते बकरियाँ सीढ़ी पे देखिए, मतलब मंदिर के सामने में घूम रहे हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे कचड़े फैल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम जो है ना अभी बसंतराय पोखर में आ चुके हैं। और यहाँ पे बसंतराय पोखर में कितना पानी है और क्या क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी बरसात का मौसम है, तो आप पीछे में आप देख सकते हैं कि ये बसंतराय पोखर है। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत मतलब लगाए गए हैं। तो आपको चलिए पूरे बारीकी से आपको दिखाते हैं। ये रहा बसंतराय पोखर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये पोखर जो है ना बहुत मतलब कि बड़ा आप भले माते देख सकते हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि इस साइड में दुकानें हैं और उधर में, और वहाँ पे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे कॉलेज है, उत्तर वाला कॉलेज है। और यहाँ पे चारों तरफ मतलब कि बहुत सारे पेड़ पौधे भी मतलब कि वन विभाग द्वारा लगाए गए हैं। और यहाँ पोखर में आप पानी देख सकते हैं। पोखर में पानी उतना अभी नहीं है। हम एक बार आए थे मतलब बैसाख मतलब कि अप्रैल मतलब मई में, तो यहाँ पे उतना पानी नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी मतलब गंदा भी देखिए हो चुका है। जितना सीढ़ी मतलब नहाने के लिए बनाया गया है, सारा देखिए कितना कचरा भरा पड़ा है। और उधर में जिस नहा रहा है वो सब शायद साफ़ होगा। और इधर में आप देख सकते हैं कि मतलब चारों तरफ दोस्तों सीढ़ी बनाया है नहाने के लिए। और ये देखिए चारों तरफ पेड़ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पोखर इस क्षेत्र में मतलब गोड्डा ज़िला में बहुत प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे मतलब साल 14 अप्रैल को बहुत बड़ा मेला लगता है पोखर के चारों ओर। अगर आप नहीं देखे हैं, और जो देखे हैं तो उसको पता ही होगा। अगर जो नहीं देखे हैं वो यहाँ पे आके एक बार देख सकते हैं। ये मेला 14 अप्रैल तो यहाँ पे लगा जाता है। और इधर में भी आप देख सकते हैं कितना सारा हरा भरा पेड़ लगाया गया है। और दोस्तों, उधर में जो दिख रहा है बड़ा बड़ा, वो सब इमली का पेड़ है, बहुत पुराना है। जब से आए हैं मतलब छोटे में भी मेला देखने के लिए आते थे, तो ये सब पेड़ पहले से ही। और दोस्तों, ये है पुराना अस्पताल बसंतराय का। और नया वाला अस्पताल शायद थाना के पास बना है। और आप देख सकते हैं कि पुराना वाला अस्पताल बंद है और इसका क्या हालत हो चुका है। दोस्तों, अब हम बसंतराय पोखर का तालाब का दक्षिणी छोर जा रहे हैं, जिधर में इंटर का कॉलेज है। आपको यहाँ से दक्षिणी छोर से भी आपको इस पोखर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और देखते हैं इधर से भी कैसा लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पोखर का नज़ारा किस तरह दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और पोखर में गंदगी भी बहुत लोग कर रहे हैं। और इधर सामने में आपको दिखाते हैं, वो सामने में जो 2-4 बच्चे दिख रहे हैं, वहाँ पे नाला का पानी पोखर में लाया जा रहा है। लेकिन इसको सुंदर नदी में करना चाहिए था। इस पे किसी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि पोखर का पानी गंदा कर रहा है। ऐसे भी लोग कचरा देखिए यहाँ पे सामने में दिख रहा है, यहाँ पे फेंका हुआ है। और अगर नाला का पानी इस पोखर में दिया जाएगा तो सोचिए कितना गंदा हो जाएगा। इस बात पर किसी को गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और पोखर को गंदा होने से बचाना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखा हुआ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।